नमस्कार दोस्तों, मुंबई फिल्म एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सप्तक क्या है, सप्तक की रचनाएं क्या है और रियाज हमें कब, कैसे, कहां और कौन से इंस्ट्रूमेंट पे करना है, ये सारा हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो आज जो हमारा नया एपिसोड है, जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि अलंकार क्या है, तो आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज अलंकार, अलंकार क्या है। ये बेसिक स्टूडेंट्स लोगों को बेसिक चीजें बहुत जानना जरूरी है और जानेंगे हम सर से। आइए। नमस्कार, आज हम जानते हैं अलंकार के बारे में, अलंकार क्या है और अलंकार की सारी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अलंकार का मतलब क्या है। बड़े बड़े विद्वान, संगीत फील्ड के महान तपस्वी लोग जो हैं, वो अलंकार की अलग अलग परिभाषा, डेफिनेशन बनाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से बताते भी हैं और जो सही भी है। लेकिन ये जो मैं परिभाषा, जो भी इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूं आज अलंकार के बारे में, वो बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। अलंकार का सीधा सीधा मतलब है लेसन्स फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए कुछ लेसन्स, जिसका नाम है अलंकार। अब दूसरा सवाल ये होता है, सर अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, आता है ना मन में सवाल। इसका जवाब एक ही है, अलंकार अनगिनत होते हैं और हो सकते हैं। अलंकार की कोई संख्या नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि अलंकार एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हर कलाकार अपना खुद का अलंकार बना सकता है। जी हाँ, बना सकता है, लेकिन वो स्टेज आने के बाद, पता चलने के बाद वो सारी बातें। लेकिन बेसिक स्टेज पे अगर आप देखें तो अलंकार कुछ 15, 20, 30, 40 इतने ही अलंकार होते हैं जो सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और हम लोग उसका रियाज भी करते हैं। उसके बाद सारे अलंकार जो हैं वो खुद आर्टिस्ट जो हैं, जो एक स्टैंडर्ड पर पहुंचते हैं, वो लोग अपने खुद के अलंकार खुद बनाते हैं। वो कहां से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब बातें मैं अपनी क्लास में सिखाता हूं। लेकिन आपको इतना जानना जरूरी है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अनगिनत होते हैं, जिसमें से 15, 20, 30, 40 अलंकार आपको बाकायदा सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। नेक्स्ट, अलंकार की और एक विशेष बात है, अलंकार जब सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, तो वो सारे शुद्ध सुरों में सिखाए जाते हैं। मतलब मान लीजिए चार सुर का अलंकार है सारे गामा, ये एक ग्रुप है, इस तरह का अलंकार है तो सा ये आपको सिखाया जाएगा, लिखाया जाएगा, लिखते समय भी ऐसे लिखा जाएगा, ये आरोह और अवरोह, चार चार सुर का एक अलंकार, लिखते समय शुद्ध सुरों में लिखे जाएंगे, सिखाते समय शुद्ध सुरों में सिखाए जाएंगे और एक ही ऑक्टेव में, एक ही सप्तक में उसको लिखा जाएगा, सिखाया जाएगा, सा से सा तक। लेकिन जब हम घर पे रियाज करते हैं तब उसी अलंकार को सबसे पहले अगर शुद्ध सुरों में भी करना है तो तीनों ऑक्टेव में करना जरूरी है। वो तीनों ऑक्टेव का काम हमें अभी समझना है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो क्या होने वाला है बताता हूं। सबसे पहले जो अलंकार है उसको हम सा से सा तक ना रखते हुए अलग अलग ऑक्टेव्स में शिफ्ट करने की जो कला है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए चार सुर का अलंकार है, यहां तक लिखा है। लेकिन जब ये चार सुर का अलंकार है हमें पता चल गया, इसका पैटर्न हमें समझने आ गया, तो ये आपका लास्ट ग्रुप है। उसके बाद अलग ऑक्टेव में जाने के लिए, ऊपर के ऑक्टेव में जाने के लिए और एक ग्रुप आपको ऐड करना पड़ेगा, एक या दो या तीन, जैसे भी अलंकार हो। तो इस पर्टिकुलर अलंकार में हमें दो ग्रुप्स अपने मन से ऐड करने होंगे जो आपको सिखाए नहीं जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग, ब्रिज यानी पुल, एक जगह से दूसरी मतलब और छोड़ जाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। वैसे ये अलंकार जो है वो जो ब्रिजिंग का काम है वो एक ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव में शिफ्ट होने की कला है। तो ये आपको सिखाया समझाया शायद से नहीं जाएगा, अच्छे गुरु अच्छे लोग सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। तो लेकिन यहां पर देखिए कैसा है,
पादनीसा, ये आपका लास्ट ग्रुप है, इसके बाद आपको ब्रिज करना है, यानी धनीसा रे, ये आपको गाना है, ये बनाना है इस ग्रुप को, ये आपको सिखाया समझाया शायद से नहीं जाएगा। ये तीसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप आ गया जो आपको समझाया नहीं गया, पता नहीं आपको क्या है। तो ये आपको ब्रिजिंग का काम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अभी फायदा क्या होगा, आपकी वोकल रेंज जो है, जो रेंज जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब एक इस एक सुर से दूसरे सुर की अंदर की जो बात है आपके गले में, वो डेवलप होगी, वो बड़ी होगी, वो वास्ट होगी, जिसकी वजह से इस अलंकार को आपको करना है। फिर आगे ये आपका आएगा, फिर जहां जहां आपके सुर जहां तक जाते हैं वहां तक आपको करना है। सेम चीज नीचे के ऑक्टेव में ब्रिजिंग काम आएगा, अवरों में देखते हैं, आपका लास्ट क्या था, आपका आ गया। लेकिन ये जो दो ऑक्टेव का बीच का जो काम है, ब्रिज का काम, ये आपको घर पे करना जरूरी है। शुद्ध सुरों में हो, कोई भी सुर में हो, आपका अलंकार कैसा भी हो, लेकिन साथ से साथ तक आपको लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करते समय ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के काम करना है, ठीक है। अब तीसरी और एक बात बताने जा रहा हूं अलंकार के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपके रागों का और सुरों का काम, रागों की और सुरों की बातें आपकी और आगे डेवलप होती जाएगी, आपको समझ में आती जाएगी, आपके गुरुजन आपको सिखाते जाएंगे, तो जैसे जैसे आपके सुरों की नॉलेज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अलंकार को भी उन सुरों की बातों में मोल्ड करना आना चाहिए आपको। कैसे, ये अभी शुद्ध सुर में आपको यही अलंकार जो है आप करते हो, आपको पता चला राग काफी जिसमें ग और नी कोमल है, अभी ये ग और नी कोमल है तो ठीक है, लेकिन अभी हमें अलंकार में प्रैक्टिस अगर उसकी करनी है तो ग और नी कोमल रख के प्रैक्टिस करनी है। कैसे, ग शुद्ध नहीं है अभी, ग कोमल है, ग कोमल है, दी 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 तो ये अलंकार सेम अलंकार अभी इस काफी राग में करेंगे तो देखो क्या कलर बनता है। कितना कलर अच्छा आया, अभी इसके साथ ब्रिजिंग भी करेंगे, कितना मजा आ रहा है। सेम चीज अलग अलग रागों की अलग अलग बातें, अलंकार को मोल्ड करते 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 आप अलग अलग अलंकार उस रागों में करेंगे तो फिर आपका गला धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, आपके गले में बहुत सारी बातें आने शुरू हो जाएंगी, बहुत सारे सुर ऐसे पक्के होते जाएंगे। तो ये बहुत अनिवार्य है कि आपके सुरों की जो नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी तो अलंकारों को भी उन सुरों में ढालकर अलंकार आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर ये बातें सारी डिटेल्स में आपको जाननी है, समझनी है और अपने आपको डेवलप करना है तो जरूर आप क्लास में आइए। तो आज हमने जान लिया कि अलंकार क्या है, अलंकार होते क्या है और कैसे प्रैक्टिस करना है हमें अलंकार को। और जैसे कि सर ने कहा कि अगर आपको इस चीज को बहुत ही डिटेल में जानना है तो आप मुंबई फिल्म एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और सीख सकते हैं कंप्लीट क्लासिकल एंड प्लेबैक सिंगिंग। थैंक यू।